वहीं नगर पालिक निगम भिलाई में संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए नई एजेंसी ने कार्यभार संभाल लिया है और टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूला जा सके इसे लेकर अतिरिक्त काउंटर भी मुख्य कार्यालय सहित जोन कार्यालय में भी लगाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई में भिलाई क्षेत्र का टैक्स वसूलने के लिए नई कंपनी ने कमाल संभाल ली है और निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देशानुसार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कैश काउंटर की व्यवस्था बनाई गई है। नई कंपनी के कार्यभार संभालते ही करदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है और अधिक से अधिक करदाता निगम पहुंचकर अपना टैक्स भुगतान कर रहे हैं। टैक्स जल्दी भुगतान करने का एक कारण यह भी है कि अप्रैल माह से टैक्स में अधिभार भी जुड़ जाएगा और करदाताओं को अतिरिक्त अधिभार के साथ टैक्स जमा करना पड़ेगा। देखिए, अभी नई एजेंसी जो है उन्होंने फ्राइडे से संपत्ति कर, जल कर, यूजर कर और शिक्षा उपकर, ये सभी जो टैक्सेशन हैं निगम जो लेते हैं वो उसके तहत में नई एजेंसी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसके तहत में निगम मुख्य कार्यालय सहित जो है समस्त जोन कार्यालयों में भी टैक्स कलेक्शन का काम जो है नई एजेंसी कर रही है। इसके तहत में उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए डोर टू डोर सर्वे करना भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही जो निगम मुख्य कार्यालय है वहाँ पर उन्होंने संपत्ति कर जमा करने के लिए अलग टैक्स काउंटर भी टेबल लगा करके वसूली के लिए अलग से जो आदमी है, अतिरिक्त आदमी, उसको लगाकर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। और निगम मुख्यालय में जो टैक्स का काउंटर था उसको उन्होंने अपडेट किया हुआ है और टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया जारी है। मेरी नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से अपील है कि जो करदाता हैं वो अपना टैक्स सही समय में जमा कर लें, क्योंकि जो मार्च है, मार्च के बाद में अतिरिक्त रूप से 18% अधिभार देना पड़ता है, 1000 रुपये शास्ति भी अतिरूपित होती है, जिससे बचने के लिए जो है सही समय पर टैक्स अपना जमा कर लें और जो अतिरिक्त अधिभार वगैरह है उससे बच सकते हैं। फिलहाल निगम में टैक्स वसूली करने के लिए नई कंपनी की कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा लगता है कि टैक्स की 100% वसूली हो जाएगी और निगम के बिगड़ते हालात में कुछ सुधार हो पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।